टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में ग्रीन डे मनाया गया। वर्षा ऋतु के आगमन पर टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में ग्रीन डे का आयोजन किया गया। सभी बच्चों ने मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वर्षा ऋतु का स्वागत किया। प्रत्येक बच्चे हरे रंग के वस्त्र में सज्जित हरियाली के प्रतीक नजर आ रहे थे। छोटे बच्चों ने पेड़, हरी सब्जी जैसे भिंडी, गोभी, मिर्च, हरे रंगों के फल जैसे आम, संतरा, अंगूर, अनानास, अवोकेडो आदि हरी हरी वस्तुओं का रूप धारण कर वर्षा ऋतु का स्वागत किया। इस अवसर पर सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और बेहतर प्रदर्शन करने वाले को पुरस्कृत भी किया गया। जैसा कि हर वर्ष हर एक तीज त्यौहार या ओकेजन्स को टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया जाता है ताकि बच्चे उस तीज त्यौहार और उस आयोजन के विषय में जाने समझें। आज हमारे यहाँ ग्रीन डे का आयोजन था। उद्देश्य ये था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ग्रीन कलर की पहचान कराना, साथ ही साथ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आज हमने उनसे वृक्षारोपण की विधि बताई, छोटे छोटे प्लांट्स कैसे लगाएंगे हम, ताकि हमारे नौनिहाल आगे बढ़े होकर और अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है अपनी धरती को एक हरी भरी धरती के रूप में बनाएं और तरह पेड़ पौधों को लगाने के प्रति इनका जागरूकता हो और उसका महत्व को समझें। और ग्रीन डे में हमारे यहाँ बच्चों ने आज विभिन्न परिधानों में जैसे जितने फल सब्जी इत्यादि के उसमें रूप में वो आए सज धज के, इन सभी बच्चों को हम सर्टिफिकेट और उनको पुरस्कृत करते हैं। क्लासेस में निबंध प्रतियोगिता हुई ताकि बच्चे पर्यावरण के विषय में जाने, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपना रोल हम अदा करेंगे। सीनियर क्लास के बच्चों से डिबेट्स हुआ बच्चों का, तो इसमें जितने भी प्रतिभागी थे सभी को हमने कुछ पुरस्कृत करने का सर्टिफिकेट देने का विचार रखा है। और जितने भी बच्चे हैं बहुत ही बढ़ चढ़ करके, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत योगदान रहा और बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी दी। मेरा नाम राजीव भार्गव है, मैं टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ।